आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 31 अक्टूबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके आयात पर 30 सितंबर 2022 तक आयात शुल्क और कृषि अवसंचरणा विकास उपकर यानी कि AIDC की छूट दी थी। वहीं मंत्रालय ने 4 जुलाई की अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कपास और सूती धागे की कीमतों में तेजी के बीच कपड़ा मंत्रालय शुल्क माफी को सितंबर से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा था। वहीं उद्योग जगत में भी कपास के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा के विस्तार की मांग कर रहा था। 14 अप्रैल से पहले कच्चे कपास के आयात पर 5% मूल्य सीमा शुल्क और 5% AIDC शुल्क लगता था। वहीं बता दें, शुल्क में छूट से वस्त्र श्रृंखला, धागे, कपड़े, परिधान और तैयार वस्त्र को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कपास की कीमतें फरवरी 2022 के 44,500 रुपए प्रति कैंडी से बढ़कर मार्च 2022 में 90,000 रुपए प्रति कैंडी हो गई है। प्रत्येक कैंडी का वजन 356 किलोग्राम होता है। वहीं इस उद्योग से कारोबारियों ने कहा कि कपास की कीमतों में तेज वृद्धि और धागे और कपड़े की कीमतों पर इसका असर सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला की संभावित वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।